नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। इस समय हम मौजूद है वसई विरार महानगर पालिका मुख्यालय के बाहर। यहां आप देख सकते हैं श्रमजीवी संगठन के बैनर तले कुछ लोग, श्रमजीवी संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता सर पे काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ इनका मुद्दा है, जानते हैं इनसे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष तुमड़ा है। मैं श्रमजीवी संगठन का तात्कालिक घटक सचिव हूँ वसई तालुका। क्या मुद्दा है, आप इस तरह से एक मोर्चा लेके आए इतनी बारिश में, क्या मामला है? हमारा मुद्दा यही है सर कि महाराष्ट्र सरकार ने जो विधेयक लाया है, अभी लाने वाले हैं, महाराष्ट्र जनसुरक्षा अधिनियम 2024, इसके तहत साधारण जनता की जो स्वतंत्रता स्वतंत्र है वो स्वतंत्र नहीं रहेगा। अगर 5 लोग नाके पे एक साथ जमा होते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। हमारी जो मांगे हैं वो हमारी मांगे, हम अनेक वर्षों से सरकार से मांगने के लिए अनेक मोर्चे निकालते हैं, अनेक आंदोलन करते हैं, और अगर ये हमारे आंदोलन अगर नहीं कर सके तो हमारे हक हम नहीं दिला पाएंगे। मतलब आपका कहना है कि सरकार जो है पब्लिक की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, और कहीं ना कहीं संविधान का जो मूल उद्देश्य उसको ही यहाँ नष्ट किया जा रहा है। बराबर आप बोले सर के जो संविधान का मूल उद्देश्य है कि सबको स्वतंत्र से जीने का अधिकार है, वो अधिकार ही अगर छीन लेंगे तो हमारा जीने का कोई अर्थ नहीं बचेगा। और इसके लिए महाराष्ट्र जनसुरक्षा अधिनियम 2024 के निषेध में आज ये मोर्चा हम लोग यहाँ पे लाए हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो जेल भरो आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं, और मंत्रालय पे जाने के लिए भी तैयार हैं हम लोग। तो हम बात कर रहे थे जन श्रमजीवी संगठन के पदाधिकारी से, उन्होंने किस तरह से बताया यहाँ एक कायदा जन सुरक्षा अधिनियम 2024 जो लाया जा रहा है उसको लेकर यहाँ इनका विरोध प्रदर्शन है, और आने वाले दिनों में ये विरोध तीव्र होगा, इनका ऐसा कहना है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। वसई विरार से यूसुफ। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।